हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूँ आपका दोस्त अमर तिवारी और ये आपकी रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वॉर्म वेलकम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टू न्यू स्टूडेंट रिंकी फोगाट और आकाश पांडे जी का एक वॉर्म वेलकम करना चाहूँगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल द ओल्ड स्टूडेंट एंड कंटिन्यू स्टूडेंट जो कि कंटिन्यू रहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप सभी के लिए वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन एक बार। और ये हमारी जो क्लास है रात 8:30 बजे की स्टार्ट हो चुकी है, तो यदि हम लाइव और मुझे आप प्रॉपरली सुन पा रहे हैं तो जल्दी से मुझे एक बार लाइव चैट के थ्रू नोटिफाई करें कि क्या मेरी आवाज़ आप सभी को बिल्कुल क्लियर मिल पा रही है। उसके बाद हम हमारी आज की जो क्लास है इसको शुरू करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारी क्लास है इसमें हम स्पेक्ट्रम बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। किसके लिए? इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए हम स्पेक्ट्रम बुक को कंप्लीट कर रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एम है वो ये है कि आपको स्पेक्ट्रम बुक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दी जाए ताकि आप यूपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हम जो टारगेट करके चल रहे हैं वो यूपीएससी ईपीएफ हो, यूपीएससी सीएसई और यूपीएससी सीएपीएफ, इन एग्ज़ाम्स को हम टारगेट करके चल रहे हैं हमारे चैनल पर। और मैं आप सभी को बता दूं जो स्पेशली न्यू स्टूडेंट है हमारे, कि भाई नॉलेज स्काई पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कोर्सेज जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको और कंप्लीट डिटेल क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। सभी बच्चों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियो सेक्शन को जरूर देखें। वहां पर वीडियो सेक्शन में देखने के बाद, सारी प्लेलिस्ट को देखने के बाद, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन के बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं और किसी भी पेड कोर्स के साथ आप नॉलेज स्काई के कोर्स को कंपेयर कर सकते हैं। आपको उससे अच्छा और बेटर कंटेंट ही हम प्रोवाइड करा रहे हैं गाइस। सो चलिए, एक अच्छे नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज की जो क्लास है, बेसिकली हम देखने वाले हैं बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत। ठीक है, अब देखिए, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत क्या थी, ये राष्ट्रवाद है क्या? देखिए, राष्ट्रवाद एक्चुअल में एक भावना है, एक फीलिंग है, जिसका लोगों के अंदर एक फील आना होता है कि भाई ये मेरा देश है और मुझे इस देश के बेटरमेंट के लिए काम करना है। मतलब इस देश का जो फ्यूचर होगा वही मेरा फ्यूचर होगा, इस देश के साथ जो अच्छा होगा वो मेरे साथ अच्छा हो रहा है और इस देश के साथ जो कुछ भी बुरा होगा या हो रहा है वो मेरे साथ बुरा होगा या हो रहा। मतलब जब आप अपने आप को अपने देश से कनेक्ट कर लेते हैं, जब आप अपने देश को अपना घर या अपना चीज़ समझने लगते हैं या अपने आप को इस देश का अभिन्न अंग समझने लगते हैं, तो उस भावना को राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। जहाँ पर आप जात पात छुआछूत, है ना, जीत हार, इन सबसे बढ़कर अपने देश को देखते हैं, अपने देश के लोगों को देखते हैं, इस भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। अब मैं ये भावना आप सभी को क्यों बता रहा हूँ, ये फीलिंग आप सभी को क्यों बता रहा हूँ, जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को कि ये भावना क्यों बता रहा हूं मैं। देखिए, हम सभी ने देखा था 1857 की क्रांति की असफलता का एक सबसे बड़ा कारण क्या था, नेशनलिज्म की भावना का ना होना था। ठीक है, तो नेशनलिज्म की भावना आखिर क्या थी? वो लड़े तो थे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ही, फिर ऐसा क्या था कि हम बोल रहे हैं कि नेशनलिज्म की भावना नहीं थी? तो भाई वहाँ पर एक चीज़ जो थी कि वो सभी अपने अपने पर्सनल कॉज के लिए, अपने अपने व्यक्तिगत कारणों के लिए लड़े थे। वो सभी अपने अपने पर्सनल कॉज, अपने अपने व्यक्तिगत कारणों के लिए लड़े थे, ना कि देश हित की भावना से लड़े थे। ठीक है, उस समय एक अखंड भारत जैसा कुछ उद्देश्य ही नहीं था उनकी नज़रों में। ठीक है, उसके पीछे आपने रीज़न देखा था, उनकी जो लीडरशिप चुनने की तरीका था या उनके जो कॉजेज थे उनके रिवोल्ट के पीछे, तो बहुत सारे इशूज जो हैं हमने डिस्कस किए थे, उन्हें हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट यहाँ पर हम चीज़ों को समझ ज़रूर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो क्या राष्ट्रवाद की भावना का मतलब आप सभी प्यारे बच्चों को समझ आ चुका है? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, सभी स्टूडेंट से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें, ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जुड़ पाए। तो जल्दी से एक एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की। हम सभी ने देखा था कि भाई 1857 की क्रांति जो है वो असफल हो गई थी, है ना। तो बात ये आती कि भाई ये जो क्रांति है ये असफल क्यों हुई थी, 1857 की जो महान क्रांति है, वाई दे फेल्ड, वो फेल क्यों हो गए थे, अंग्रेजों के सामने उन्हें घुटने क्यों टेकने पड़े थे। तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात थी, वो थी एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो नहीं थी उनके बीच, है ना, एब्सेंस थी वहाँ पर नेशनलिज्म की, जो फीलिंग थी, जो एक
नेशनलिज्म मूवमेंट की जो फीलिंग थी उनके बीच नहीं थी, वो सभी अपने अपने पर्सनल कॉज के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, हमने देखा था कि फार्मर्स अपने कुछ कॉज थे, कुछ लोगों के अपने सोशल रिलीजियस कॉज थे, कुछ के अपने राइट्स को लेकर कॉज थे। यदि हम बात करें मिलिट्री पर्सन्स की, सेना में रहने वाले भारतीयों की, तो उनकी भेदभाव से, एक्सप्लॉयटेशन से परेशान होकर रिवोल्ट करने वाले चीज़ें थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रिवोल्ट में तो थे लेकिन उन सब के अपने अपने पर्सनल कॉज थे और वो अपने अपने पर्सनल कॉज को लेकर लड़ रहे थे। इसीलिए हम इसे एक राष्ट्रवादी मूवमेंट भी नहीं मानते। कई जो हिस्टोरियंस हैं वो लिखते हैं कि भाई ये एक राष्ट्रवादी मूवमेंट नहीं था, ये मुख्य रूप से एक तरह से सैनिक विद्रोह था। आई होप चीज़ें सभी को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। जी हाँ, ये स्पेक्ट्रम में नंबर 10 लेसन है और हमारा जो है ये 14 लेक्चर है क्लास का। ठीक है, चलिए। तो अब बात ये आती है कि भाई राष्ट्रवाद की भावना की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना? वाई वी नीडेड, वाई द नेशनलिज्म वॉज नीडेड, मतलब नेशनलिज्म की भावना की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब किसी भी देश में, क्या उस समय की हम बात करें जब भारत एक कॉलोनी था ब्रिटिश की, तो हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से हमें राष्ट्रवाद की भावना की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहली बात आती है भाई, टू ओवरकम द प्रिंसली रूल्स इन द एम्परशिप। मतलब हम सभी को पता है कि पहले प्रिंसली रूल्स थे। प्रिंसली रूल्स का मतलब क्या होता है कि राजा महाराजा होते थे, उनके बेटे बेटियां लोग क्या बन जाते थे, राजा बन जाते थे, और एक जो पीढ़ियां होती थी वो रूल करती रहती थी। तो भाई इन जगह से बाहर निकलना था, इन चीज़ों से बाहर निकलना था, तो नेशनलिज्म की मूवमेंट, नेशनलिज्म की भावना होना बहुत ज़रूरी था। हम सभी ने देखा था 1857 की, यदि हम बात करें तो 1857 की क्रांति में क्या हुआ था। 1857 की क्रांति में यही तो हुआ था कि उन लोगों ने अपना लीडर किसको लिया था, उन लोगों ने अपना जो नेशनल लीडर चुना था वो बहादुर शाह को चुना था, बहादुर शाह जफर को चुना था। बहादुर शाह जफर को चुनने का मतलब ये था कि वो मुगलकालीन सामंतवादी व्यवस्था में जा रहे थे, वो प्रिंसली रूल्स की तरफ पीछे लौट रहे थे। उनका कोई विजन नहीं था फ्यूचर की तरफ जाने का, एक डेमोक्रेटिक इंडिया का निर्माण करने का, है ना, लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करने का, ऐसा कोई उनका एम नहीं था। तो उनकी जो सोच थी वो कहीं ना कहीं पुराने स्तर की थी, जो कि बताती है कि भाई वहाँ पर राष्ट्रवाद का अभाव था और यदि भारत को आगे बढ़ना था तो राष्ट्रवाद की भावना विकसित करना जरूरी थी, जहाँ पर लोग सामंतवादी व्यवस्था से आगे निकलकर एक राष्ट्रवादी व्यवस्था की ओर सोच सकें। इसके बाद हम बात करते हैं टू फाइट स्ट्रांगली अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। हम सभी को पता है कि 1857 की क्रांति के असफल होने का एक मुख्य कारण जो था, 1857 की क्रांति के असफल होने का जो मुख्य कारण था वो था एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना का ना होना। राष्ट्रवाद की भावना नहीं हो पाने की वजह से 1857 की क्रांति में एक तरह से जो क्रांति थी ये राष्ट्रीय ना होकर क्षेत्रीय क्रांति रह गई थी, क्षेत्रीय क्रांति के रूप में सीमित रह गई थी, जिसे ब्रिटिशर्स ने ये आसानी से दबा दिया था और कुचल दिया था। और बाद में हम सभी देखेंगे कि जब 19वीं सेंचुरी में जब नेशनल लीडर्स आएंगे, महात्मा गांधी होंगे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू होंगे, लाला लाजपत राय होंगे, ठीक है, और भी कई नेता होंगे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक होंगे, क्लियर, चंद्रशेखर आज़ाद होंगे, सुभाष चंद्र बोस होंगे, तो ये जो नेशनल लीडर्स आएंगे आगे, हम सभी देखेंगे कि इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना विकसित की थी और इसीलिए इनके जो प्रयास थे उन प्रयासों की वजह से भारत एक स्वतंत्र देश बन पाया था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो बन पाया था। तो राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वहीं हम बात करें टू स्ट्रेंथन कंट्रीज़ सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, यदि एक देश की सोशल मतलब सामाजिक और पॉलिटिकल मतलब राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ करना है तो उसके लिए भी राष्ट्रवाद की भावना का विकसित होना, अपने चरम पर होना अत्यावश्यक है। तो क्या सभी चीज बच्चों को चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही है, यहाँ तक क्या सभी बच्चों को चीज़ें समझ आ रही है मेरे? कोई बात नहीं है, लेट हो गए बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आगे की चीज़ें। तो अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे और कहां से शुरू हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय था वो कैसे और कहां से शुरू हुआ। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारकों का परिणाम माना जाता है जो ब्रिटिश राज द्वारा उत्पन्न हुए, अर्थात ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया। अब देखिए हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे काम करे थे जिनसे भारतीय लोग आहत थे। जिनमें हम सबसे पहले बात करें, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, भारत के पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर था, पॉलिटिकल जो एक तरह से सिस्टम था उसमें इंटरफेयर करना, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो जब भारतीयों के
इंटरनल पॉलिटिक्स में उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं वहाँ से असंतोष जो भारतीय लोगों में जन्मा, और जो ब्रिटिशर्स थे वो सभी भारतीय राजाओं के साथ ऐसा ही कर रहे थे, इसीलिए सभी भारतीय राजाओं ने लेटर और सूनर ये चीज़ रियलाइज़ की कि जो अंग्रेज हैं वो कहीं ना कहीं फूट डालो राज्य करो की नीति कर कर हम सभी को एक दिन हथिया लेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने लोगों को आपस में जोड़ना शुरू किया। उसके बाद हम बात करें, अंग्रेज़ों ने आगे चलकर बहुत सारे शोषण किए, करों को बढ़ाया, भारतीयों के साथ एक्सप्लाइटेशन किया, मिलिट्री पर्सन में सैनिकों में सैनिकों के साथ भेदभाव किया, ठीक है। तो और उनकी बहुत सारी नीतियाँ थी, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की हम बात करें, विलय नीति की हम बात करें, हड़प नीति की बात करें, हम सहायक संधि की बात करें, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें भारतीय जनता में, भारतीय लोगों में, भारत के अलग अलग तबके में जो था असंतोष जन्मा। उनकी सभी नीतियाँ, चाहे वो मिशनरीज की स्थापना करके ईसाई धर्म को आगे बढ़ाना हो, चाहे भारत की जो रिचुअल्स हैं, धार्मिक कट्टरता है, उस कट्टरता को ठेस पहुँचाना हो, भले ही वो अच्छे कारकों से क्यों ना हो, तो ये सभी चीज़ें थी जिन्होंने भारतीयों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध कर दिया। और धीरे धीरे अंग्रेज़ों के विरुद्ध होना, जब सभी भारतीय इस एक भावना के साथ बंध गए, तो ये बाद में एक राष्ट्रवाद के रूप में जन्म लेता है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत में, ठीक है। और आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है जो भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में हम सभी आगे जाकर देखते हैं। क्लियर, ठीक है गाइस। मानसी जी, आपको यदि लेट हो गए बच्चे तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जो भारत में राष्ट्रवाद था वो विभिन्न कारकों के सहयोग और परिणाम के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना, जो क्लियर। अब इसमें बहुत सारे रीज़न हैं, जो अपना राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म का एवोल्यूशन है, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे पहले फैक्टर की यदि हम बात करें, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो राष्ट्रवाद और अवधारणाओं की विश्वव्यापी उथल पुथल, राष्ट्रवाद और अवधारणा की विश्वव्यापी जो है उथल पुथल, और फ्रांसीसी क्रांति द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्णय के अधिकार, ठीक है। सबसे पहला क्या था कि भाई जैसे फ्रांसीसी क्रांति उस समय हो चुकी थी, ठीक है, और जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत सारे देश जो थे वो मोटिवेट हुए थे, अभी प्रेरित हुए थे, और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया था, और वहाँ पर जिसकी भी कॉलोनी थी उसके विरुद्ध खड़े होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी। उसके बाद हम बात करें भारतीय पुनर्जागरण की, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण एक ऐसी चीज़ थी। पुनर्जागरण में हम बात करें तो बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो आगे आ रहे थे, लोगों को सुधार रहे थे, है ना, जो धार्मिक कट्टरपंथता जो व्याप्त थी, कट्टरता जो व्याप्त थी, उस कट्टरता के विरुद्ध काम कर रहे थे, जो क्रूतियाँ व्याप्त थी उस क्रूतियों के खिलाफ काम कर रहे थे, तो लोग शिक्षित हो रहे थे, समझ रहे थे, और कहीं ना कहीं संगठित भी हो रहे थे इन सभी चीज़ों के लिए। आगे हम बात करें, भारत में अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए आधुनिकीकरण की शुरुआत हो गई थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा था या जो अंग्रेज़ों द्वारा आधुनिकीकरण किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जो जनता थी, आम व्यक्ति थे, वो भी इससे प्रेरित हो रहे थे, और इससे प्रेरित होने के साथ साथ ही वो क्या कर पा रहे थे, अपने आप को विकसित कर पा रहे थे और राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रोत कर पा रहे थे। वही हम बात करें कि भारत में राष्ट्रीय साम्राज्यवादी नीतियों पर भी जो है कड़ी प्रतिक्रिया की जा रही थी, क्लियर। जो इम्पेरियलिस्ट थे, इम्पेरियलिस्ट पॉलिसीज थी इंडिया में ब्रिटिशर्स की, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन इंडियंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाने लगा था, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें जो थी इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक कारण बनी थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ आगे की चीज़ों के बारे में, उससे पहले मुझे बताइए क्या चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो पा रही हैं सभी बच्चों को। सभी बच्चों को क्या क्लियर दिख रहा है? दोस्तों, मैंने वर्ड बड़े करने की कोशिश करी है, बट चूंकि कंटेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़े वर्ड्स में नहीं कर सकता हूँ, एक लिमिट तक ही बढ़ा सकता था। आई होप आपको 480 पिक्सल पर दिख रही होगी वीडियो। क्या सभी को 480 पिक्सल पर वीडियो अवेलेबल है दोस्तों? क्या वीडियो क्लियर दिख रही है सभी प्यारे बच्चों को, एक बार मुझे बताएं। चलिए, ओके, चलिए, तब बात करते हैं हम भारतीय। अब अगला जो चीज़ थी वो ये थी कि भाई भारतीय और औपनिवेशिक विचारों में जो था वो मतभेद था,
है ना, मतलब भारतीय लोग जो थे वो अपने हितों के लिए चाहते थे चीज़ें, अपने हितों के लिए लड़ना चाहते थे। वही औपनिवेश की हम बात करें, औपनिवेश मतलब ब्रिटिशर्स, तो भाई जब वो ब्रिटिशर्स थे वो औपनिवेश एक ताकत बना रहे थे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अधिकारों की तो बात सोचेंगे नहीं, वो तो अपने व्यापार की, अपने एक्सपांसन की ही बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके विचारों में मतभेद था, क्योंकि भारतीय लोग जो थे वो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए चीज़ें चाहते थे, ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए चीज़ें चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो मतभेद था उनके विचारों में, इस मतभेद ने भारतीयों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। उनके बीच जो मतभेद था, इस मतभेद ने सभी भारतीयों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, और इसी मतभेद के चलते सभी भारतीय एक सूत्र में, एक सोच में, एक कॉमन आइडिया में बंध गए कि नहीं भाई, हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही कैटेगरी अलग अलग क्यों ना हो, भले ही कम्युनिटी अलग अलग क्यों ना हो, भले ही रीज़न अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा हमारा शोषण तो हर स्तर पर किया ही जा रहा है। यदि बात करें किसानों की, तो उनको फसलें नहीं उगाई देनी जा रही थी, उनसे अवैध कर वसूला जा रहा था। यदि बात करें जमींदारों की, तो उनके प्रभुत्व को छीन लिया गया था, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी, उनकी जमींदारी, उनके अधिकार, उनका वर्चस्व छीन लिया गया था। वहीं राजा महाराजाओं की बात करें, तो उनके जो अधिकार क्षेत्र थे, उनका जो राज्य था वो हड़प लिया गया था। सैनिकों की बात करें, तो उनके साथ भेदभाव हो रहा था। और दूसरे लोगों की बात करें, तो कहीं धार्मिक समस्याएं थी, कहीं आर्थिक समस्याएं थी। तो कहीं ना कहीं सभी लोग जो थे अंग्रेजों से खफा थे, रुष्ट थे, और ये सभी चीज़ें लोगों को एक सूत्रीय कार्यक्रम में जोड़ देती हैं, और जिसे हम बाद में नेशनल मूवमेंट, एक राष्ट्रवाद की भावना के रूप में देखा जाने लगा था। और सभी को समझ आ गया था कि इस पूरे देश को आज़ाद कराना होगा अंग्रेजों से, तभी हम अपने देश में अपनी स्वेच्छा से अपने विचारों के साथ रह सकेंगे। लोग समझ गए थे कि अंग्रेजों के खिलाफ, जरा यहाँ पर समझिए कि भाई जब विचारों में मतभेद हुआ, जब विचारों में मतभेद हुआ, तो यहाँ से एक चीज़ निकलकर सामने आई। लोगों के दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी कि जो अंग्रेज़ हैं उनको हम अपने अपने कारणों के लिए अपोज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसान सिर्फ अपने कारणों के लिए विरुद्ध लड़ें, है ना, मिलिट्री जो सैनिक लोग हैं वो सिर्फ अपने कारणों के लिए लड़ें, नहीं। वो समझ गए थे कि हम सभी को अपने अपने कारण, अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर एकजुट होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, तभी अंग्रेज़ों को हम बाहर कर पाएंगे इस देश से। और जब हम अंग्रेज़ों को बाहर कर पाएंगे देश से, तभी इन सारी समस्याओं का हल मिल पाएगा। और यही वो चीज़ें थी जिसने राष्ट्र को बढ़ावा दिया था। Exactly, every type of exploitation was there. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन और उपनिवेशी शासन को परिणाम माना। उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोग, जैसे कृषक थे, शिल्पकार, दस्तकार, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग एवं व्यापारी इत्यादि, सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए थे, और औपनिवेश शासन के चरित्र और नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन जो है वो खड़ा हुआ था। हम सभी ने यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस डिटेल में कर ली है कि हर एक तबका जो था, उनके अधिकार जो थे, वो अंग्रेजों की औपनिवेशिकता के भेंट चढ़ गए थे। आगे बात करते हैं राष्ट्र का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। अब हुआ क्या था, हम सभी ने देखा था कि बहुत सारे जो अलग अलग तरह के कंट्रडिक्शन थे भारतीय लोगों में भी, लोगों ने उन सभी को छोड़कर एक राष्ट्र का एकीकरण किया। तो जो पूरा भारत राजनीतिक रूप से ब्रिटिश के अधीन था, है ना, ब्रिटिश के अधीन था, बाद में परिवहन संचार के साधन विकसित हुए जो अन्य सैन्य उद्देश्य प्रशासन आदि में उपयोगी थे, और इस एकीकरण ने भारतीयों को प्रभावित किया। तो हुआ क्या था भाई कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, उससे पहले भारत किस में बटा हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था। रियासत अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ, भारत में दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक यदि हम बात करें, है ना, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, चारों दिशाओं में ब्रिटिश रूल फैल गया था। उस वजह से भारत एक अखंड राज्य के रूप में सामने आने लगा था। इसके अलावा बात की जाए तो इन्होंने संचार के माध्यम जो हैं, परिवहन के माध्यम विकसित किए थे, जिसकी वजह से भारतीय लोग एक दूसरे को बंधा हुआ, जुड़ा हुआ महसूस करने लगे थे, और इसने कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को एकीकरण की भावना दी। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए कृत्य जो थे, उसने भारतीयों को एकीकरण का रास्ता दिखाया, है ना। यदि हम बात करें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में जो आर्थिक हित थे वो एक साथ जुड़ने लगे थे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं परिवहन और संचार के जो आधुनिक साधन थे, जो मॉडर्न मीन्स थे, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन थे, इन्होंने लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने लोगों को अपने जो लीडर थे, जो नेता थे, उनके साथ लाकर खड़ा कर दिया। उनके विचारों का आदान प्रदान जो है वो आसानी से होने लगा, और कहीं ना कहीं जब
नेताओं के विचार अपने अनुयायियों के पास, अपने लोगों के पास जाने लगे, तो जो भावना थी राष्ट्रवाद की वो बहुत जल्दी पूरे देश में एक आग की तरह फैलने लगी थी। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्र का जो एकीकरण हुआ। तो जो राष्ट्र का एकीकरण है वो तीन चीज़ों से होता है। पहली तो राजनीतिक स्थिति के एकीकरण से। राजनीतिक स्थिति कैसी, जब अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, सभी प्रिंसली स्टेट्स को लगभग खत्म कर दिया था, ठीक है, तो एक कॉमन रूल था, एक ही पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर, एक सिंगल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर पूरा देश आ गया था, तो कहीं ना कहीं ये यूनिफिकेशन हो गया था भारत का। उसके बाद जब संचार के साधन विकसित किए गए, ट्रांसपोर्टेशन के मींस विकसित किए गए, डेवलप किए गए, तो इनसे लोग आपस में तेज़ी से जुड़ने लगे, जो न थे उनकी बातें उनके अनुयायियों तक, भारतीय कॉमन जनता तक आसानी से पहुंचने लगे। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें थी जिसने भारतीयों का यूनिफिकेशन कर दिया, भारतीयों का एकीकरण कर दिया। उनके विचारों में जो मतभेद थे वो धीरे धीरे खत्म भी होने लगे थे और भारत अपने राष्ट्रवाद की ओर बढ़ गया था। थैंक यू सिमरन। जो है भारत जो है आगे बढ़ गया था। आगे बात करते हैं कि भारत के बाहर से आने वाला प्रभाव। तो अब हम सभी को पता है कि भारत जो था वो एक कॉलोनी था यूरोपियन की, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, यूरोपियन थे जो कि, तो यूरोपियन का कल्चर जो था वो उनके साथ भारत आ रहा था। यूरोपियंस की जो एजुकेशन सिस्टम था, जो मॉडर्न अप्रोच थी, साइंटिफिक सोच थी, वो कहीं ना कहीं भारत आ रही थी। और जब पश्चिमी विचार और शिक्षा, वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन इंडिया आए, तो उन्होंने भारतीय लिटरेचर्स को, भारतीय राइटर्स को, भारत के जो मध्यम वर्गीय शिक्षित लोग थे या उच्च कुलीन लोग थे, उनको अपने एक तरह से इन्फ्लुएंस में लिया। और इस वजह से भारत के लोग जो थे वो न धर्म निरपेक्षता की ओर, लोकतंत्र की ओर और राष्ट्रवादी विचारों की ओर मुड़ने लगे थे। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन का, वेस्टर्न कल्चर का बहुत बड़ा हाथ था भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित करने के लिए। वहीं हम बात करें, अंग्रेजी भाषा ने विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के राष्ट्रवादी नेताओं को एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद की। मतलब पहले क्या होता था भाई, भारत इतना बड़ा देश था तो उसमें भाषाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन जब अंग्रेजी भाषा आई तो पूरे भारत में वो एक कॉमन लैंग्वेज की तरह फैल गई, ठीक है। इस वजह से अलग अलग क्षेत्र के जो लोग थे जिनमें भाषाई आधार पर मतभेद थे, वो मतभेद कहीं ना कहीं पटने लगे थे, भरने लगे थे। क्यों? क्योंकि उनके बीच एक कॉमन लैंग्वेज आ चुकी थी इंग्लिश, और कॉमन लैंग्वेज में आने पर उनके भाव भाव जो भाषाएं थी, उनके जो भाव थे, उनकी जो आइडियाज़ थे, उनका शेयर हुआ और कहीं ना कहीं आपस में जुड़ने लगे, अपने थॉट्स को शेयर करने लगे और राष्ट्रीयवाद का एकीकरण करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे थे वो सभी लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा और क्लियर समझते हैं यहाँ पर हम कि भाई प्रेस और साहित्य की क्या भूमिका रही थी। तो देखिए भाई, प्रेस की हम बात करें और साहित्य की हम बात करें, लिटरेचर की, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। हम सभी ने देखा है कि जब वेस्टर्न कल्चर आया, तो वेस्टर्न कल्चर आने की वजह से जो राइटर्स थे, जो लिटरेचर्स थे, जो पोएट थे, वो सबसे पहले इन्फ्लुएंस हुए। और जब वो इन्फ्लुएंस हुए तो उन्होंने वही चीज़ें अपने साहित्य में, अपने लिटरेचर में दिखाई। और जब उन्होंने वो चीज़ें अपने लिटरेचर में दिखाई तो वो भारतीय लोगों में फैली। जब भारतीय लोगों ने उन लिटरेचर को, उन कविताओं को पढ़ा, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी वो चीज़ें गईं और उसको इम्पैक्ट किया भारतीयों को। और भारतीय लोगों ने भी क्षेत्रवाद से, सामंतवादी व्यवस्था से निकलकर राष्ट्रवादी व्यवस्था के ऊपर सोचना शुरू किया, लोकतंत्र के ऊपर सोचना शुरू किया, पुनर्जागरण के ऊपर सोचना शुरू किया, शिक्षा और वैज्ञानिक विचारों के ऊपर सोचना शुरू किया। उनके सोच में एक तरह से स्वतंत्रता जो है बसने लगी थी। तो बहुत बड़ा रोल प्रेस और साहित्य ने दिया था, प्रेस और साहित्य ने यहाँ पर बहुत बड़ा रोल दिया था। तो प्रेस ने आधिकारिक नीतियों की आलोचना की, है ना, प्रेस को वहाँ पर आज़ादी मिली थी, कुछ हद तक आज़ादी थी, क्लियर। उन्होंने किसकी आलोचना की भाई, जो सरकारी नीतियाँ थी उस समय की, ब्रिटिश शासन की, उनकी आलोचना की। एक और लोगों के एकजुट होने का आग्रह भी किया। तो दूसरी ओर इसने स्व सरकार, लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और औद्योगिकीकरण के आधुनिक विचारों का फैलाने में भी मदद की। मतलब प्रेस के द्वारा ही जो लोकतंत्र के आधुनिक विचार थे, औद्योगिकीकरण की भावनाएं थी, वो लोगों तक पहुंची। लेकिन वहीं पर हम, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल ज़रूर दिखा सकता हूँ, जैसे कि हिंदू था, क्लियर, जो कि सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा शुरू किया गया था। केसरी था महाराष्ट्र में, केसरी और महारत्नाचार जो था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। बंगाली था, जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था, बंगाल गजट, है ना। अमृत बाजार पत्रिका थी, बहुत सारे ऐसे जो न्यूज़पेपर थे जो शुरू किए गए थे
क्लियर। और इन न्यूज़पेपर्स ने कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को एकत्रित करने में, लोगों को मोटिवेट करने में, उनमें राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस समय। ठीक है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि भारतीयों के अतीत का पुनः अध्ययन। तो भारतीयों को भारतीय अतीत का इतिहास, कला और संस्कृति की समृद्धता, विरासत और बाहरी दुनिया के साथ व्यापार के समृद्ध इतिहास के बारे में पता चला, जिससे भारतीय लोग समझे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम कितने ज़्यादा समृद्ध थे, कितने ज़्यादा समृद्धशाली थे, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी हालत आज क्या है कि भारत आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ गया था उस समय। ठीक है, तो जब अतीत का भारतीय लोग, अब जरा ध्यान से समझिए, अभी आप लोग बोलेंगे कि सर आप बात कर रहे हैं कि मॉडर्न अप्रोच नहीं थी, ठीक है, और 1857 की क्रांति हम इसलिए हार गए थे क्योंकि हमने सामंतवादी व्यवस्था की ओर जाने की बात की थी, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि जो अतीत था, अतीत के अध्ययन ने भारतीयों को आगे बढ़ाया। तो ज़रा समझिए, भारतीयों ने जब अतीत का अध्ययन किया तो उन्हें यह पता चला कि अंग्रेजों के आने से पहले हम समृद्ध थे, मतलब हम कहीं ना कहीं भले ही किसी भी सामंतवादी व्यवस्था में क्यों ना हो, लेकिन जब हम अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, अपने देश के लिए कार्य कर रहे थे, तो हम एक कहीं अधिक विकसित और समृद्ध थे, लेकिन अंग्रेजों के आने की वजह से ये जो पैसा है, जो समृद्धता है, वे पूरी की पूरी जो वेल्थ है ये बाहर जा रही है यूरोप। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वो सोचने और समझने पर मजबूर हुए और उन्हें ये पता चला कि यदि भारत को पुनः समृद्ध बनाना है तो एक राष्ट्रवादी भावना को विकसित करके अंग्रेजों को भारत से बाहर उखाड़ फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कई विद्वान थे जैसे कि आर जी भंडारकर की हम बात करें, आर एल मित्रा की बात करें, और आगे स्वामी विवेकानंद की भी बात करें, तो उन्होंने एक नई पिक्चर क्रिएट की थी भारत के पास्ट की। ठीक है, इन सभी ने क्या किया था, भारतीय लोगों के सामने भारत के अतीत को बहुत अच्छे तरीके से रखा था, जिसने भारतीय लोगों को मोटिवेट किया था कि हाँ हमारा अतीत अच्छा है और हमारा भविष्य भी अच्छा हो सकता है यदि हम उसकी ओर बढ़ें तो। और इसने भारतीयों की एकता में भावना पैदा की कि नहीं भाई, अंग्रेजों के पहले हम ज़्यादा समृद्ध थे, हम ज़्यादा शक्तिशाली थे, कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने आकर फूट डालो राज्य करो की नीति से हमें अलग किया है और इसी कमजोरी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो भारतीयों को जोड़ने में जो भारत के अतीत के दर्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए थे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सामाजिक आर्थिक सुधार हुए थे, जिसमें आंदोलनों की प्रगतिशील चरित्र और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए बहुत सारा इन्होंने मदद की थी। हम सभी ने देखा था हमारे लेक्चर नंबर 12 और 13 में, जिसमें हमने सोशल रिफॉर्मर्स को देखा था, चाहे दयानंद सरस्वती की हम बात करें, ब्रह्म समाज, आर्य समाज की हम बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, तो इन्होंने अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह से समाज सुधार तो किए ही, साथ में समाज सुधार के द्वारा इन्होंने भारतीय जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए, एकजुट रहने के लिए भी प्रेरित किया था। तो समाज सुधार जो कार्यक्रम थे, इनका बहुत बड़ा रोल जो था उस समय सामने आया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग था, उसका उत्थान हुआ था। क्यों? क्योंकि जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी था वो वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जुड़ा हुआ था। ठीक है, और वह ब्रिटिश प्रशासनिक और आर्थिक प्रक्रिया में शहरों का एक नए मध्यम वर्गीय लोगों का जो है वह जन्म हुआ था, जो कि अंग्रेजों से जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं। तो जब वो अंग्रेजों से जुड़े हुए थे तो अंग्रेजी कल्चर के साथ, अंग्रेजी वेस्टर्न एजुकेशन के साथ उनका कहीं ना कहीं उत्थान होने लगा, तो उनकी सोच जो थी वो पारंपरिक भारतीय सोच से आगे निकल कर डेवलप होने लगी थी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की तरह सोच समझ रखने लगे थे, उनकी तरह चीज़ों को देखने परखने लगे थे, तो उनके लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ने का एक जज्बा आया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज़ से, इस एजुकेशन से डेवलप करने की कोशिश की और ये सोच धीरे धीरे फैलती गई एक चिंगारी की तरह। ठीक है, और इसने एकता की भावना को बाद में जन्म दिया और इस वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास और संचालन में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे हम बात करते हैं कि विश्व में समकालीन आंदोलनों का प्रभाव बहुत ज़्यादा भारत पर पड़ा था। तो हमने देखा था भाई, ग्रीस की क्रांति, इटली की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इन सभी क्रांतियों ने, इन सभी राष्ट्रीय आंदोलनों ने भारत में भी आंदोलन को एक तरह से जागृत किया, उसकी चिंगारी भारत में डाली। ऑब्वियस सी बात है, जो आपके आसपास में होता है उसका इम्पैक्ट आप पर भी पड़ता है। उस समय बहुत सारे जो देश थे वो कॉलोनियल सिस्टम में फंसे हुए थे, लेकिन वो कॉलोनियल सिस्टम से बाहर निकलने के लिए, उपनिवेश से बाहर निकलने के लिए क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इन आंदोलनों का प्रभाव भारतीय जनता पर भी पड़ा। भारतीय जनता को भी लगा कि नहीं,
हमें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, हमें भी अपने लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए लड़ना चाहिए। और इन्हीं सभी विचारों ने भारतीयों को भी राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवाद की सोच रखने के लिए मजबूर किया। आगे बात करते हैं प्रतिक्रियावादी नीतियाँ और शासकों का जातीय अहंकार काफ़ी के बारे में बात करते हैं कि जिन एक्सप्लाइटेशन जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया था भारतीयों को एकत्रित करने में, तो उनमें से सबसे बड़ा रीज़न था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया, आर्म्स एक्ट जो कि 1878 में आया, इसके बाद एल्बर्ट बिल विवाद जैसी ब्रिटिश की जो भेदभावपूर्ण नीतियाँ थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, भारतीयों को एकजुट कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, क्योंकि सभी लोग जो थे इस एक्सप्लाइटेशन से, शोषण से, इस भेदभाव से तंग आ चुके थे, ठीक है। और जब अंग्रेजों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं भारतीय आपस में और मजबूती के साथ जुड़ गए थे, क्योंकि भारतीयों को इससे काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँची थी। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो थे कई राजनीतिक संघ बने थे, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कई क्षेत्रीय और राजनीतिक संगठन जो थे वो खड़े हुए थे, जिन्होंने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया था। तो आइए हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से थे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले ऐसे कौन कौन से संगठन थे जो खड़े हो चुके थे, जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया था। इसमें 1836 में हुआ था बंगाल प्रकाशन सभा, ठीक है, 1838 में जमींदारी एसोसिएशन, 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, 1851 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1857 में इंडियन लीग, 1876 में कलकत्ता का भारतीय संघ या भारतीय राष्ट्रीय संघ, 1876 में पूना विसर्जन सभा, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन और 1884 में मद्रास महाजन सभा। ये वो सारी की सारी संस्थाएं हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले आ चुकी थी, जिन्होंने छोटे या बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं भारतीयों के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट डाला था और एक राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित करने पर काम किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा, चीज़ें पसंद आई होंगी, ठीक है, और जो चीज़ें हैं वो आपको धीरे धीरे क्लियर हो भी रही होंगी, ठीक है। तो वीडियोस को जरूर शेयर करते रहें, नॉलेज स्काई पर आप बने रहे, क्योंकि हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, यूपीएससी ईपीएफ के लिए और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कंप्लीटली फ्री प्रिपरेशन जो है वो कराते रहते। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।